सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, हेलो, आप नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूं हमारे इंडियन मोटो व्लॉगिंग प्लस व्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी भी 72% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते तो है लेकिन मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो अगर आप उन लोगों में से तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। तो भाई आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, इतने दिनों से मैं समझा रहा हूं कि इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जो भी ट्रेडर या कोई फॉलोअर बढ़ाने वाले को प्रमोट करते हैं वो स्कैमर्स होते हैं। इस बात पे मैं अपडेट देना चाहूंगा कि मेरे खुद के पर्सनल क्लोज जिगरी यार वो इस स्कैम में फंस चुके हैं। नहीं नहीं, आयरा माजिद ने इस बार कुछ नहीं करा है, इस बार कर रहा है जम्मू की क्यूट गर्ल यानी प्रतीक्षा कान। हे फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो आपको अगर इंस्टाग्राम पे रियल लाइक्स, फॉलोअर्स एंड यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स चाहिए तो गाइस मैं नीचे एक आईडी मेंशन कर रही हूं। तो मेरे कॉलेज टाइम के तीन फ्रेंड्स हैं जिनका यूट्यूब पे चैनल है द थार गाइस नाम करके, उनकी साइड से एक वीडियो आउट हुआ जहां पे उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी बताई है। कल मेरे साथ एक छोटा सा गाइस फ्रॉड हो गया। ये फ्रॉड किया हमारे जम्मू की क्यूट गर्ल ने, मतलब कि इंस्टा पे इसने स्टोरी लगाई थी। ये मैंने जस्ट बंदे से बात करी थी इंस्टा फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। मैंने पेमेंट उसको उस बंदे को सेंड करी है, मेरे पास सब कुछ पड़ा भाई बंदे की, ठीक है। और मेरे को भाई, मैंने बंदे से फोन पे बात करी है, मैंने चैट भी नहीं करी, मैंने उसको बोला तू भाई मतलब कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर लड़की है भाई, ठीक है ना, तो मतलब कि भाई सच्ची बोल रही होगी, झूठ ना भाई, झूठ ना बोल रही होगी, सच्ची बोल रही होगी। मैंने तो आप पहले पैसे सेंड करो देन मैं आपको करता हूँ। मैं चलो ठीक है भैया, मैंने बंदे को पैसे सेंड करे भाई, ठीक है। पैसे सेंड करने के बाद 40 मिनट के बाद भाई उस बंदे ने मेरे को मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। बात 600 की नहीं है, बिल्कुल ना, बात सुनो बात 600 की नहीं भाई। तुम्हारा 7-8 हज़ार के पीछे लोगों का चाहे लाख रुपया डूब जाए तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तो प्रतीक्षा तू क्यूट गर्ल नहीं है, तो स्कैमर गर्ल है, स्कैमर ही है भाई, और क्या, ये कौन सी क्यूट गर्ल है। तो भाई आई होप आप आज अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सब स्कैम्स होते हैं, एंड आई एम डैम श्योर जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो आज के बाद ऐसे स्कैमों में कभी नहीं फंसेंगे। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आ रही है आलियान राइडर की साइड से। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आलियान राइडर का कश्मीर राइड से वापस आते वक्त रामबन में क्रैश हो चुका था जहां पे उनकी बाइक टोटल लॉस हो गई है। बट द बेस्ट पार्ट इज जितनी लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी थी कि आलियान राइडर को बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं, उतना ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो आपको पता होगा कि वो कुछ टाइम से बोल रहे थे कि वो लद्दाख राइड करने वाले हैं, बट अपने लास्ट व्लॉग में उनको अपने होम टाउन रामबन जाना पड़ा जहां से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से लद्दाख राइड की अपडेट दी है। सो बहुत टाइम से बोल रहे हैं भाई लद्दाख राइड कब स्टार्ट होगी, सो ये वाली राइड हमारी जैसे खत्म हो जाती है बिकॉज ये वाला एरिया ना हमने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था भाई, वो भी हमारे ड्रैगन के साथ। चेक इट आउट गाइस, दो ड्रैगन। अभी हम पुलिस पोस्ट पर रुके हैं, अंदर ना डाल दे कहीं हमें, ठीक है ना। तो रियासी से होते हुए जाएंगे जम्मू, एंड जम्मू से फिर उसके बाद फुल पावर प्लान है अपना, ले जाएंगे, ठीक है ना, फुल पावर। तब हाई सीन और ले जाएंगे किस पे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ है, क्या बोलता है। नेक्स्ट अपडेट जट प्रभजोत पाजी की साइड से आ रही है। तो अपने न्यू व्लॉग में वो बताया कि उनकी ब्रांड न्यू डिफेंडर को किसी रिक्शा वाले ने हिट कर दिया था। बाहर निकले, घर वालों के पास गए, तो वहाँ पर ये रिक्शा वाले ने मार दिया था। इसके वीडियो भी दिखा दूंगा, तो कुछ बड़ा होना हुआ, हो सकता है छोटे से इसमें से निकल गया, हो सकता है इस पे काला टिक्का लगना हो कि अब नजर नहीं लगेगी भाई, हमारी गाड़ी पे डेंट है, चिपका दी गाड़ी उसमें। अरे क्या कर रहे भैया, दिख भी रहा है हमारी ग्रीन लाइट है फिर भी चलते आ रहे हो यार। रिक्शे वाले भैया ने रिक्शा चिपका दिया, हम तो आराम से रेड लाइट पे खड़े हुए थे, वो रेड लाइट तोड़ के आए, वहां से निकलने की जगह नहीं थी। तो भाई उनकी 2 करोड़ की गाड़ी पे काफी ज्यादा नुकसान होने से बच गया, इस पे आपका क्या कहना है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट UK07 राइडर्स से रिलेटेड होने वाली है। तो एक यूट्यूबर है शुभ स्केल्टन, आप सबने इनकी वीडियो जरूर देखी होगी आई गेस। इन्होंने रोस्ट करा UK07 राइडर को, एंड इनके रोस्ट कुछ अलग टाइप के होते हैं, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो अगर आपने इनकी वीडियो देखनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव एज यू नो आजकल गेमिंग कर रहे हैं, एंड कल की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उनसे किसी ने पूछा कि यूट्यूब पे आज के टाइम पे ग्रो कैसे करते हैं, तो इस पे एल्विश यादव का कुछ ऐसा कहना था। यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा यार भाई, यूट्यूब पे पता है ग्रो कैसे करो, मेहनत करके बस, जितनी जल्दबाजी करोगे जल्दबाजी मचाओगे, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो सब नहीं मिलने वाला, धीरे धीरे लगेगा, टाइम लगेगा। और इस बार अब तुम देखो टाइम कितना बदल गया कि भाई हर घर में यूट्यूबर है भाई, इतना कंपटीशन बढ़ गया, समझ रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ गया। पहले के टाइम पे जब हमने स्टार्ट करा था इतने लोग नहीं थे, इसलिए भगवान की दया से थोड़ी किस्मत लगा लो, थोड़ी मेहनत लगा लो कि हम कुछ बन गए। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा, मतलब हर क्रिएटर से तुम्हारी लड़ाई है कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा भाई, और अपनी ऑडियंस को एक सेपरेट बेस बनाना पड़ेगा कि भाई हाँ
फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कोई है अपना यूट्यूबर नाम एक्स वाई जेड का, इतने बेस बनाना पड़ेगा उसका, तो उसमें टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है आज की तारीख में, तो कुछ कंटेंट में डिफरेंस लाओ और समझ ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। एंड अगर आप मेरे से मेरा ग्रोथ सीक्रेट पूछोगे तो मैं बोलूंगा सिर्फ कंसिस्टेंसी। रोज वीडियो बनाते बनाते मेरे को पता नहीं लगा, मैंने आज ही देखा कि कब मैंने 200 प्लस वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन ऑफ वर्क। आप जितना मन से काम करोगे यहाँ पे आपके ग्रोथ के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले एक कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो आपको अरमान मलिक के बारे में जरूर पता होगा, जो कि एक चंडीगढ़ के ब्लॉगर है और इनके पास दो दो बीवियां हैं, सो लकी भाई। एंड अरमान मलिक की एक सिस्टर भी है जिनका नाम है सपना, जिनका खुद एक ब्लॉगिंग चैनल है। एंड कुछ दिनों पहले उनके चैनल पे एक वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने अरमान मलिक पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे कि उनकी बीवियों ने उनको हरास वगैरह किया या उनसे पैसे वगैरह लिए। बेसिकली अपने ओपिनियन में बताऊं तो ये सब मेरे को एक ड्रामा लगा था, बट लक्ष्य चौधरी ने इस ड्रामा पे रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा बोला है। आज एक आदमी के फेवर में बोलना चाहूंगा जिसको हमेशा लोगों ने बोला हुआ है कि यार तुम हमेशा रोस्ट ही करा तुमने सब गिरा। भाई मैं कह रहा अरमान मलिक इतना गलत आदमी नहीं है जितना इंटरनेट पे इस टाइम बन चुका, मतलब होगा गलत हो पर यार उससे गलत ज्यादा हो चुके, उसके साथ उससे ज्यादा गलत हो गए लोग। शायद उसने अपनी सिस्टर्स को तो शायद अरमान ने खुद ही शाउट आउट दे के अपने व्लॉग में ला के फेमस किया था, वहां से व्यूज मिले थे। और अब कुछ मैं ना एक वीडियो मतलब बहुत ही वीडियो बन रही, बहुत ही मतलब अरमान मलिक डालते ना दर्जन वीडियो आए तो ऐसे ही ना मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि यार ऐसे ऐसे कोई वीडियो बना रहा है एक बार देखना, तो वो लिंक भेजा हुआ था मैंने टैप कर दिया। ऐसा तो मैं किसी के पर्सनल मैटर में इतना कुछ पढ़ता नहीं, मैं टैप कर दिया, अभी अर्श के साइड में बैठा हुआ देख रहा था मैं, तो ना कोई लेडी थी उनकी कोई रिश्तेदार थी वो बैठी हुई हूँ कह रही कि हमें बुलाया नहीं था अरमान ने घर पे। और गाइज आपको बता मैं डिप्रेशन में हूँ, 3 दिन से हमारे व्लॉग क्यों नहीं आए, व्लॉग क्यों नहीं आएगा ऐसा बता रही है, तो रोटी ना खाई हो अरे क्यों नहीं है अपने देवर लगे क्या लगे हैं अरमान, उसको अरमान पे एलिगेशन लगा दिए उनको, ये है हमें बुलाया नहीं, ये है मतलब फैमिली फाइट अब फोन पे है उस पे नहीं चलती है, हमने सामने चार रिश्तेदारों के बीच में अब चले व्लॉग पे गाइज भाई कल को। तो इस पे आपका क्या कहना है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो कुछ दिनों पहले आपको पता होगा पारस ठकराल और उनकी वाइफ स्नेहा सचदेवा में भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसको लेके क्रेजी दीप ने एक रोस्ट वीडियो बनाया, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। के साथ इन दोनों के बीच की लड़ाई है बच्चों को लेकर, कस्टडी में रखूंगा मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है तो बच्चा मैं रखूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से इन दोनों का चैनल देखो तो ये दोनों मिलके अभी तक 9 वीडियोस डाल चुके हैं, 9 ही वीडियोस पे मिलियन में व्यूज है, सारी वीडियो मोनेटाइज्ड है, मतलब पैसा सब्सक्राइबर व्यूज ये तीनों चीजें तो बढ़ा ली, लेकिन बच्चे के लिए केयर कहां पे? जब बच्चा 15-16 साल का होगा तो वो YouTube पे देखेगा कि कैसे मेरा बाप मेरी मां को मारता था, कि कैसे मैं एक अनवांटेड चिल्ड्रन था और मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा को शादी करनी पड़ी, शादी और मेरे पैदा होने के बाद भी मेरे मम्मी पापा के अफेयर्स चल रहे थे। और भाई मस्त से यार ये हार्डकोर वाले व्लॉगर्स एकदम गिर चुके हैं कंटेंट के लिए, बट आज भी कुछ अच्छे व्लॉगर्स हैं जो कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली से लंदन तक का ट्रिप करते हैं, वो भी बाय रोड। यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंडियन बैकपैकर के बारे में जो कि करंटली अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें वो दिल्ली से लंदन अपनी स्कॉर्पियो में बाय रोड ट्रैवल करेंगे। एंड करंटली वो भी ईरान में है जहाँ पे एक टाइम पे उनकी स्कॉर्पियो एन का फ्यूल खत्म हो चुका था, एंड फिर उन्होंने वहाँ के एक लोकल ट्रक ड्राइवर से फ्यूल परचेज करा, जिसके प्राइस सुनने के बाद भाई मेरे होश उड़ गए हैं। आप भी सुनिए। 20 लीटर के ना टोटल हमसे 200 तो मान लिए, यानी कि इंडिया के 320 रुपए, तो 16 रुपए लीटर डीजल मिला हमें इंडियन करेंसी के हिसाब से। हालांकि अगर हम डायरेक्ट स्टेशन से लेंगे तो और भी सस्ता हो सकता है 10-11 रुपए लीटर मिल जाए। देख रहे हो मतलब भाई साहब ईरान में कितना सस्ता फ्यूल है, पेट्रोल भी मस्त है यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 रुपए ही लीटर है, 7-8 या 10 रुपए, वो हम एग्जैक्ट रस्ते में बताएंगे जब कल चिराज के लिए निकले। लास्टली हम बात करने वाले इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन के बारे में। तो आपको पता होगा इनका कुछ सालों पहले इनकी वाइफ आयशा धवन के साथ डाइवोर्स हो गया था, एंड इनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम जोरावर है। दिल्ली हाईकोर्ट से इनकी वाइफ को ये ऑर्डर मिला है कि ये इनके जो बेटे के एक्सक्लूसिव राइट्स है वो सारे अपने पास नहीं रख सकते, एंड वो अपने बेटे को ऑलमोस्ट 3 साल के बाद मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है उर्फी जावेद की साइड से, तो या उर्फी जावेद की एक और ड्रेस निकल के सामने आई है जहाँ पे वो कोई मिल गया के जादू बने हुए थे, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। चढ़ जाती है कहीं पे भी भाई। मैडम जी मैडम हिलो मत, पीछे कर भाई थोड़ा काम, यहाँ पे सामने उर्फी मैम ऐसे टर्न लीजिए। अरे इधर इधर लुक दो, बहुत प्यारी है ना मैडम। अरे शेक कर दिया था यहाँ पे। अरे थैंक यू। तो आई गेस अगर जादू भी ऊपर से देख रहा होगा उसने भी कहीं हार्पिक वगैरह पी लिया होगा, आई एम डैम श्योर। तो भाइयों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच, आप पिछली वीडियोस में बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो। मिलते हैं कौन नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। गड़ियों तेरी गली की तैयारी यार, तेरा बैग ऐसी रहती रह पर आते पारी हाँ। तेरा मेरा सेम सिटी एंड आई क्लेम इट, क्योंकि मेरे बिना ही ना जिगर नहीं एक में भी हाँ। कसी कार्गो और ब्लैक हुडी आउटफिट, गड्डी बार और गेट पे करे फैन पे क्लिक। तेरे शहर मेरा शुरू से ही बोल बाला, जिंदगी फिल्म है जैसे बहुत हार्ड बहुत सिक।